नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यार, मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी कि अपनी बैटरी को कैसे बूस्ट करें, कैसे बढ़ाएं। ये ट्रिक कीजिए, आपकी बैटरी 100% 48 घंटे चलेगी, फुल नेट, फुल वीडियो देखो, कुछ भी देखो, आपकी बैटरी ख़त्म होगी ही नहीं। यार क्या बेवधा वीडियोज बनाते हैं लोग यार, कोई ट्रिक्स बताते हैं, कोई जाके एप्लीकेशन कह देते हैं कि इस एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, ये एप्लीकेशन आपका ज़्यादा बैटरी खा रही है। दोस्तों ये सब सारा क्या बताएं आपको दोस्तों। तो दोस्तों अगर यही जानना चाहते हैं क्या दोस्तों सच में ये जो ट्रिक्स बताते हैं, ये ट्रिक्स हम फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने से क्या होता है दोस्तों कि आपको हम बता दें, वो अपने आप आपको जो है अपना आकर्षित करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या ये होता है वास्तव में। ये जो ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक लगाने के बाद आपकी बैटरी बूस्ट होती है, ज़्यादा चलती है। यार ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों मेरे, वो दोस्त मैं आपको क्या क्या बताऊँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ सेटिंग पे जाने के पहले तो मैं आपको बता दूँ वो क्या सेटिंग बताते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं अपने सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर सेंड का ऑप्शन आता है। वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं दोस्तों कि कौन सी एप्लीकेशन कितना बैटरी खा रही है दोस्तों। अरे यार मैं आपको बता दूँ, फ़ोन सी एप्लीकेशन है, अगर आप उनको बंद कर दोगे, हटा दोगे, एक्चुअली में आपका भविष्य में या कोई भी दोस्तों नेक्स्ट डे या दूसरे दिन कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, उनको बंद कर दोगे तो यार नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखेगा कि कौन सा नोटिफिकेशन आया दोस्तों। और मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि हालांकि अगर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो चलती हैं बैकग्राउंड में, तो वो तो बैटरी खाती हैं दोस्तों। उनसे आपको एक नुकसान है बस, और कई नुकसान नहीं है दोस्तों, कि आपकी फ़ोन पे लोडिंग पड़ती है दोस्तों, जिससे कि आपका फ़ोन की हैंगिंग के चांसेस होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना पड़े, तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रिक और सॉल्यूशन भी बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप इससे बढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों वो भी ये भी बताएंगे कुछ जाए, और ये भी बता देते हैं कि जैसे कि आप गए, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल करने वाला हूँ। यार बैटरी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, यार मैंने खुद अजमाया, कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, इससे कुछ नहीं होता। जैसे आप कुछ और एक सेटिंग ये बता देंगे कि बैटरी में जाइए, बैटरी में जाने के बाद वहाँ पर जो मैक्सिमम होता है, जो मतलब आपका ब्राइटनेस होता है, लो क्वालिटी एंड मीडियम क्वालिटी एंड मैक्सिमम, तो दोस्तों बोलते हैं कि आप हाइड यानी मैक्सिमम करके रखते हैं, उसको लो करके रख लीजिए। क्यों लो करके रखो यार, अगर लो करके रखोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कम, समझ में नहीं आएगा। अब ये मत बोलना कि दोस्तों मेरी आंखें कमज़ोर नहीं हैं जो मुझे कम दिखे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं और आपको बैटरी ज़्यादा चलानी है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि आप उस बैटरी को लो कर लो और आपकी बैटरी ज़्यादा चल सके, इंक्रीज हो सके दोस्तों। और ऐसी इंटरनेट या मोबाइल में ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है, आपकी बैटरी फ़ोन की गड़बड़ है ना दोस्तों, तो बैटरी गड़बड़ की सेटिंग कोई भी फ़ोन पे नहीं है जो कि आपकी बैटरी बूस्ट कर सके और ज़्यादा चले। तो ये रीज़न है, ये कारण है दोस्तों, फेक वीडियो बना रहे हैं जिस कारण व्यूज पा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता यार मेरे भाई। कोई भी सेटिंग करो, कोई भी कुछ करो, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलेगा तो बैटरी खाएगा ही दोस्तों, ठीक है ना। और ये सेटिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। जैसे ही कोई नेटिव नोटिफिकेशन आएगा या बैकग्राउंड में ऐप्स नहीं चलाओगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप उसको जान नहीं पाओगे, नोटिफिकेशन आपका दवाई ही दवाई रह जाएगा दोस्तों। प्ले स्टोर में जाकर बोलते हैं कि आप ऑटो अपडेट बंद कर दीजिए, जिससे आपकी बैटरी ऑटो रनिंग में नहीं जाएगी और आपका बैटरी ज़्यादा चलेगा, बूस्ट होगी दोस्तों, ऐसा कुछ बता देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यार इस वीडियो के मकसद मेरा यही था आपको बताना कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो कहे क्यों यार बेवजह की सेटिंग करती हो फालतू में, कुछ नहीं है इससे। होता है तो जो होता है आपके फ़ोन से होता है, फ़ोन आपका कितना बैटरी खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो बस यही उम्मीद थी मुझे आपसे बताने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि दोस्तों मेरी बताई हुई चीज़ें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों। तो बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।